डॉक्टर बैनर्जी मैंडेट और इन सब के बारे में जो हमारे अंग्रेजी के दर्शक हैं उनके लिए तो मैंने बता दिया। अब मैं जो मेरा मोटा सवाल है डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर माया, क्या हमारे देश की सरकार के साथ उनकी कोई अंदर हैंड बातचीत हो गई है? मई में 2024 में अप्रैल में जनरल इलेक्शन है, उसकी टाइमिंग देखिए, और आज मीडिया में कल दिन भर चलता रहा कि अतीक अहमद अहमदाबाद से प्रयागराज लाए जा रहे हैं। सुपरफिशियल इशूज, अगर उस इशू से हटता तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह आंदोलन और उस पर बात बनते रहती। आप इलेक्शन ईयर में हैं, पूरा जो इकोसिस्टम है वो पॉलिटिकल न्यूज की तरफ दौड़ेगा, पॉलिटिकल न्यूज की भूख बनाई जाएगी। ऐसे में इस समय को चुनना और लगातार बिल गेट्स का 2019 के बाद 2023 में भारत आना, फिर माहौल बनाना और माहौल बना के वापस चले जाना, और अभी मार्च में, अभी लास्ट मार्च और अभी अप्रैल में एक मीटिंग होनी है जिसमें इन सारे प्रपोजल्स पे डिस्कशन होने हैं और फाइनल रिपोर्ट, उन्हें फाइनल ट्रीटी कर देनी है मई 2024 में। ये टाइमिंग आपको लगता है डॉक्टर बैनर्जी बहुत कुछ कह रहा है? हाँ, इससे पता चलता है कि ये एक प्रकार से बैकडोर से ये ट्रीटी आ जाएगा, सारी जनता की निगाह दूसरी तरफ रहेंगे, और अगर बात तो यह है कि अगर फ्रंट डोर से भी लाएंगे तो ये चीटी कोई, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो जिनको मालूम होना चाहिए पब्लिक हेल्थ वाले को, उनको भी ठीक से मालूम नहीं पड़ते नहीं है क्या चीटी है क्या नहीं है। ना इसका कोई विवाद होता है, ना कोई इसका डिबेट होता है, ना कोई डिस्कशन होता है। अगर इतनी बड़ी बात है कि आप अगर कोई एक्सटर्नल पावर को, पूरा कंट्री कभी भी पैंडेमिक को घोषित किया जाए, पूरा सरेंडर कर रहे हो, तो इसको तो पूरे हाउसेज, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में इसका डिबेट होना चाहिए। इसमें हमारे जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स है या अदर सोशल एक्टिविस्ट है या इकोनॉमिस्ट है, वो एक्सपर्ट्स को भी लाना चाहिए पार्लियामेंट में, पूरे डिटेल में इसको डिस्कशन करना चाहिए पार्लियामेंट। इसको अगर ऐसे जल्दी जल्दी में पास करना है तो ये तो बिल्कुल ही, मतलब एक प्रकार से जैसे हम साइन कर देते हैं, छोटा सा स्मॉल प्रिंट नहीं देखते हैं, और ये स्मॉल प्रिंट नहीं है, स्मॉल प्रिंट में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि कोई भी आपके घर आ सकता है, कोई भी आपको उठा के कहीं भी भर्ती कर देगा। ये तो उन दिनों की हमको याद आती है, आज से शायद 100 साल पहले जब कोई बोलता था इसको भूत आ गया, कोई मेंटल केसेस को रस्सी बांध देते थे, मेंटल केसेस को गड्ढा कर देते थे, ट्रेफाइनिंग कहते थे कि भूत निकल जाएगा और उसको कि उसको पागल हो गया है, भूत आ गया है। तो उसको हमने कितने सालों में लोगों ने ह्यूमन राइट्स इवन फॉर दोज हु आर मेंटली अनस्टेबल को भी किया है, और अभी तो पूरे मासेस को ऐसे करने वाले हैं। अभी कोई भी वो जो भी WHO को लगेगा कि ये पैंडेमिक है, वो पैंडेमिक हो ना हो उसको वह विवाद नहीं हो रहा है। अभी यही पैंडेमिक को देख लीजिएगा कि जिसका कि मोर्टेलिटी 0.3% है, पहले 3 महीने में ही पता चल गया था। ऐसे कितने बीमारियां हैं जो 0.3% से तो बहुत ज़्यादा है, उसको अगर वो पैंडेमिक डिक्लेयर कर सकता है, फिर उसके बाद वो नहीं चला तो मंकी पॉक्स को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया ऑफ ग्लोबल कंसर्न, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो अगर ऐसे में अगर ऐसा ट्रीटी होता तो वो कोई भी कंट्री में कुछ भी कर सकता था, मंकी पॉक्स के बहाने ज़बरदस्ती स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगा देता सबको, और ये वैक्सीन भी सबको लगा देता, बच्चे को भी लगा देता। और फिर इसका क्या है कि इस ट्रीटी में ये भी है कि ये कोई बाद में जिम्मेदारी नहीं रहेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा, तो ना कोई लीगल एक्शन कोई ले सकेगा। तो ये ट्रीटी के साथ पब्लिक हेल्थ बिल भी है, वो बिल्कुल लगता है कि दोनों में अच्छे से मिलजुल के इंटरफेस बनाया है। उसमें अभी जैसा है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट ने कोई ये किया, उससे हानि हुआ, तो अभी आप लीगल एक्शन ले सकते हो, पर इस ट्रीटी के बाद वो कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकेगा। तो ये बिल्कुल ही एक प्रकार से अथॉरिटेरियन ये होगा। तो अगर ऐसा है ट्रीटी में, ऐसे प्रोविजंस है, तो लीगल एक्सपर्ट्स को भी बुलाना चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। और अगर ऐसे में कर रहे हैं कि जैसे कोई मैजिशियन करता है कि
अटेंशन डाइवर्ट करके कुछ दूसरा चेंज कर देता है। तो ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही गलत तरीके से स्थिति को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं दोष तो आम जनता को दूंगा और आम जनता में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को दूंगा कि मैंने कई पब्लिक हेल्थ लोगों से बात किया, उनको टीटी के बारे में मालूम ही नहीं है। नहीं तो डॉक्टर बैनर्जी, आप फ्रिज कर गए डॉक्टर बैनर्जी? हाँ, नहीं, आवाज नहीं है। हाँ, मैं बोलूंगा तब आएगा। अच्छा, अच्छा, वो... मैं सोचा कि मैं काफी नहीं डॉक्टर बैनर्जी, ये इसमें तो इस ट्रीटी में एक से एक बात है कि अगर आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि आपने कुछ इन्वेंट किया है, कुछ नहीं उसका कोई आपको नहीं, और इन्वेंट किया है और उसको ये ट्रीटी के हिसाब से कहेगा कि नहीं, आप अगर वो लार्जर इंटरेस्ट दिखा देगा कि भाई लार्जर इंटरेस्ट फॉर द ह्यूमैनिटी है, तो आपके पूरे इंटेलेक्चुअल राइट को सीज कर सकता है, ये भी है इसमें मेंशन। और ये फर्जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, और अगर कोई दूसरा काउंटर करेगा कि भाई ये इन्वेंट कर देगा, इन्वेंशन क्या होगा, उन्हीं माफियाओं के इशारे पर कुछ इनोवेशन करवा लेगा और उसको कह देगा कि ये रिसर्चर है और ये इन्होंने ये दिया है, ये तो हमने ट्रीटी किया है और उनसे करवा लेगा। और जैसे अमिताभ बनर्जी जैसे लोग जब काउंटर देंगे कि भाई ये आप जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये गलत है, जैसे कि आपने कहा कि भाई पेंडेमिक के दौरान में आपने मास ट्रैकिंग ट्रेसिंग ये शुरू कर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक को भी आपने बढ़ा दिया और उसके पीछे घोड़े दौड़ा दिए और इतना बड़ा आपने ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया, तो आपकी बात को तो नकार दिया जाएगा। मिस इन्फॉर्मेशन का भी प्रोविजन है उसमें कि कोई प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन को अगेंस्ट शायद लीगल एक्शन भी ले लेंगे, क्योंकि इनके पास लीगल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीगल पावर्स आ जाएंगे।